नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत एक रोमांचक रेस्क्यू करने के लिए निकले हुए हैं। धनबाद में एक बंगाली परिवार में एक आउट हाउस जो होता है, जो सर्वेंट लोग रहते हैं आउट हाउस, और उस वहाँ पर एक लेटिन है जहाँ पर एक शख्स ने बाथरूम लेटिन में जैसे ही बैठे तो वहाँ पर एक छोटा सा बिल टाइप का था और क्रैक टूटा हुआ है, और उस जगह में वो जैसे ही बैठे तो सांप ने उनको डसने का कोशिश किया और वो बच निकले। लेकिन वहाँ से सूचना आया, हमारा टीम ऑलरेडी धनबाद में रेस्क्यू कर रहा था और वो लोग अभी वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रयास कर रहे हैं लेकिन सांप नहीं निकला है। हम यहाँ से निकले हैं गोमो से, हमारे पास पेशेंट था, फिर भी उनका रिक्वेस्ट पर हम लोग यहाँ से निकले हम, और वहाँ पर सांप रेस्क्यू करेंगे, फिर रेस्क्यू करने के बाद फिर पुनर्वास में जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि सांप जिस जगह में है एक लेटिन में और वहाँ अगर रहे तो कभी भी वो किसी को घायल कर सकता है, बाइट कर सकता है। तो हमारा लक्ष्य है सांप को इंसान और इंसान को सांप से बचाना। दोस्तों हमारा चैनल में बने रहिए, आज का वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों बने रहिए हमारा वीडियो। दोस्तों यही जो जगह है जहाँ पर सांप इस जगह से घुसा है, और उस साइड में इनका जो पुराना बाथरूम है वहाँ पर एक शख्स ने बैठा था बाथरूम में, उनके घर में सर्वेंट, उनको काटने का कोशिश किया, वो बच निकले। लेकिन ये जो बहुत पुराना घर है और इसी जगह से ही सांप घुसा है, और ये छेद जो गया है वो जस्ट जो लैटिन का जो पेन है वहाँ पर गया है। सांप वहीं पर जाके प्रजनन के लिए, अंडा देने के लिए वहाँ पर बसा हुआ है, और वहीं पर अगर जगह बना लिया, हो सकता है वहाँ पर अंडा दिया है या दिया नहीं हो, देने वाला है। तो दोस्तों हम जो इसको सही सलामत रेस्क्यू करेंगे फिर इसको पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ देंगे। दोस्तों बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कुशल स्नेक रेस्क्यू टीम सदस्य ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर में जो पेन है वहाँ पर फंस चुका है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ये सांप को क्षति ना हो और किसी तरह उसको कहीं चोट घर ना लगे, क्योंकि ये इनका स्वभाव ही है, प्रकृति का। ये वहाँ पर अंडा देने के लिए सांप गया था और ये फिर अंडा देने के बाद जो है ये अंडा नहीं दिया, प्रजनन के बाद ही अंडा देने का समय था लेकिन अभी अंडा नहीं दिया हुआ। तो दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस सांप को बाहर निकल के सही तरह इसको फिर पुनर्वास के लिए जंगल छोड़ देंगे। सांप का नेचर ही होता है, अभी एक शख्स ने हमें ये कह रहे थे कि सब सांप को मार देना चाहिए क्योंकि ये सभी इंसान को काटते हैं, इंसान मरता है। तो दोस्तों ये बात ये है कि सांप का नेचर ही है सभी का, आप हम इंसान का भी नेचर है। अगर आपको कोई तंग करेगा, कोई मारेगा, आप भी उनको उनका प्रतिक्रिया करेंगे जरूर। हम एक सवाल करते हैं, हमारा भारत में बहुत कार बाइक, इतना ज़्यादा कार बाइक हर दिन एक्सीडेंट से मर रहा, साल में हजारों इंसान मर रहा, तो ये तो नहीं कि कार से या बाइक से एक्सीडेंट से इंसान मर रहा तो हम बाइक या कार चलाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों सांप जो है इसका प्राकृतिक स्वभाव है, इसका नेचर है, अगर आप इसको मारने जाते हैं तो ही ये आपको खतरा महसूस होने पर ही बाइट करता है, नहीं तो सांप कभी किसी को बाइट नहीं करता, खुद ये सांप से इंसान से दूरे रहने का कोशिश करता है। दोस्तों अगर हम सांप मार देते हैं, देख रहे जिस तरह ये पानी पी रहा और ये बहुत प्यासा था अंदर में, बहुत जिस तरह इतना प्यासा लग रहा है कि बहुत दिन से पानी नहीं पिया, तो हम लोग इसको पानी पिला रहे हैं, और क्योंकि ये भी क्योंकि इनमें भी जान है और ये इनको भी इच्छा है नेचर में ज़िंदा रहने का, इनको भी दोस्तों हम लोग आज जो है ये सांप को रेस्क्यू किए हैं, ये जिनके घर में घुसा हुआ था बहुत घातक था, हम लोग अभी दोनों को ही इंसान को भी जान बचाए और सांप को भी जान बचाए, दोनों को बचाने के साथ साथ हम लोग सांप को लेकर इसको जंगल में छोड़ देंगे। तो हमारा संस्था का उद्देश्य है सांप को इंसान, इंसान को सांप से बचाना। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को अनुरोध है कि अगर आपके आसपास किसी को भी स्नेक बाइट कर ले, सर्पदंश हो जाए, तो आप तुरंत हमारे बताए गए जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करें और आपका जो स्नेक बाइट मार्क है उसको भेजें,
हम जरूर उस मरीज को जो है बचाने के पूरी तरह कोशिश करेंगे। अभी एक हम चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा अभी तक जितने भी मित्र जितने फॉलोअर्स हमें बाइट के बाद मार्क भेजे और उनको मरीज को हम जान बचाए, वो सभी मित्रों को हम कहते हैं कि आप जरूर कमेंट करें और सभी को ऐसा बताएं कि आपके किस किन शख्स को सांप काटा था और हमें आप जो फोटो भेजे थे हम सही बताए कि नहीं, ज़रूर आप कमेंट करें दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि हमारा बताया हुआ अभी तक जो मार्क है, आप जितने भी हमारा फॉलोअर्स भेजे हैं एक भी अभी तक मार्क गलत नहीं बताएं, ये कौन सांप काटा है या अंदर में वेनम गया है कि नहीं। दोस्तों इसके साथ आप सभी से हम विदाई लेते हैं, सांप को हम लोग अभी इसको इस तरह हम बताते हैं बैग में इस तरह सुरक्षापूर्वक सांप को डाल के इसको जंगल में छोड़ देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।